सभी को राम राम, नमस्कार। हमारा चैनल रिवल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग शिमला द्वारा, यानी कि हिमाचल प्रदेश इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा पीएन के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, यानी कि आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि चपरासी क्लास फोर और संवर्ग का नाम जिससे पद संबंधित है, पदों की संख्या और श्रेणी का नाम जिसे पद भरा जाना है। तो निर्वाचन विभाग मुख्यालय शिमला में है, दो पोस्ट कांगड़ा में है, चार बिलासपुर जिला संवर्ग में, एक कुल्लू जिला संवर्ग में, एक सिरमौर जिला संवर्ग में, एक, यानी कुल मिलाकर नौ पोस्ट हैं। जिला संवर्ग या मुख्यालय संवर्ग से अभिप्राय, जिला संवर्ग डिस्ट्रिक्ट कैडर, मुख्यालय संवर्ग हेडक्वार्टर कैडर। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आवेदन को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर जो है जिला स्वर्ग या मुख्यालय स्वर्ग का नाम लिखना है जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। और जितने भी आवेदन पत्र होंगे उन सबको क्या है 30/3/2021 तक दिए गए पते पर जमा करवा देना है। नंबर तीन में बताया गया है कि निर्वाचन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिला स्वर्ग और मुख्यालय स्वर्ग है, इसलिए इनकी जो पोस्ट होती हैं ये इसी अनुसार भर जाती है, मुख्यालय कैडर में या डिस्ट्रिक्ट कैडर में। नंबर चार बताया गया है कि अगर कोई किसी को कोई जिला मिल जाता है और जैसे कुल्लू जिला स्वर्ग में उसकी पोस्ट हो जाती है और अपनी ट्रांसफ़र किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में करवाना चाहेगा तो ये जो है अनुज्ञात नहीं होगा, यानी कि इसकी परमिशन नहीं होती। नंबर पाँच में उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले जो है नोटिफिकेशन ध्यान से वेबसाइट पर जाके पढ़ लेनी है। यही नोटिफिकेशन मैंने इस वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। नंबर छः में बताया है कि चयन के दौरान या चयन के बाद किसी भी अस्वीकृति, आवेदन पत्र की अस्वीकृति से बचने के लिए उम्मीदवार को सब कुछ अपनी श्रेणी, आयु और आवश्यक योग्यता इत्यादि को पढ़ लेना चाहिए। साथ में लिखा है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। नंबर आठ, उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय के साथ अवश्य पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम अवश्य दर्ज होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। कोई भी सेवारत उम्मीदवार है उसको जो है विभाग से एनओसी लेकर इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बिना एनओसी के साथ वो अप्लाई नहीं कर सकता। इस पोस्ट से संबंधित कोई भी वाद विवाद होता है तो उसकी सुनवाई शिमला के न्यायालय क्षेत्र अधिकार में ही होगी। अब यहाँ पर बताया कि कौन से इसके लिए पात्र हैं। 18 से 45 साल के बीच कोई भी उम्मीदवार होगा वो इसको भर सकता है, और जो भी आयु की गणना, आयु की गिनती जो है 1/1/2021 से मान जाएगी, और ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष की छूट केवल हिमाचली SC ST OBC WFF यानी कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हिमाचल प्रदेश के विकलांगों के लिए ही है। और समय समय पर जो जारी सूचना है, अधिसूचना होती है, नोटिफिकेशन होती है, उसके अनुसार ही छूट मिलेगी। अनिवार्य योग्यताएँ, और जो भी इसको पोस्ट को भरना चाहता है वो मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। भर्ती के लिए पात्रता, कोई भी व्यक्ति जिसने हिमाचल से 8वीं और 10वीं पास की हो, या कोई व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है, स्थायी निवासी है, बोनाफाइड है, वो इसको भर सकता है। कोई व्यक्ति जिसने जो हिमाचल का रहने वाला है लेकिन उसने 8वीं या 10वीं बाहर के राज्यों से की है तो भी वो इस पोस्ट को भर सकता है। वांछनीय योग्यताएं, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान, और प्रदेश में विद्यमान असाधारण स्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। तो ये नॉर्मल सी बात है, सभी जॉब चाहते हैं तो कैसी भी असाधारण स्थिति हो वहाँ पर नियुक्ति के लिए जा सकते हैं सभी। नौकरी है, नौकरी के लिए कहीं भी जाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज और शिष्टाचार का ज्ञान सभी को लगभग होता ही है जो हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड है, और नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो है इसका इंटरव्यू नहीं होता कि बताएं हिमाचल प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन कौन सी बोलियाँ हैं, कैसे कैसे रीति जो है, कुछ नहीं होता। इसलिए नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है, सबको ही पता होती है। आगे है, ध्यान दें, चयन के लिए जो भी उम्मीदवार हो उसकी पात्रता जो है के संबंध में विभाग का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, और ये सारा दायित्व उम्मीदवार का होगा कि वो साबित करे कि वो इसके लिए पात्र है। और आवेदन कैसे करना है, अभ्यर्थियों को क्या करना है, सभी दस्तावेजों के साथ साथ कागज पर मूल्यांकन पत्र सहित आवेदन करना होगा, और आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग ब्लॉक नंबर 38 STM कॉम्प्लेक्स कुसुमपट्टी शिमला पिन कोड 171009 में 30/4/2021 तक पहुँच जाना चाहिए। जो परीक्षा का शुल्क है वो 0 रुपये है, यानी कि इसके लिए कोई भी परीक्षा शुल्क निर्धारित नहीं किया है, यानी कि 0 रुपये आपको
इसकी परीक्षा के लिए 0 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि कोई भी इस पोस्ट को भर सकता है। उसके लिए सिर्फ उसके इस पोस्ट से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है 10 या 20 रुपये का ये फॉर्म मिल जाएगा, और पोस्ट करने का खर्चा लगभग 25 या 30 रुपये के लगभग, चलो ज़्यादा 50 रुपये रखा है तो 40-60-70 रुपये में ये काम आपका हो जाएगा। परीक्षा लेनी है तो किस प्रकार से लेनी है, तो यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं रखी है। इन्होंने बताया कि जो 85 नंबर है वो आपको 10वीं के नंबरों के आधार पर दिए जाएंगे। अगर आपके 10वीं में जैसे 50 नंबर हैं, यानी कि 50% नंबर है, तो 85 का भी आपको 50% ही मिलेगा। 85 का 50% है 42.5, यानी कि आपको 42.5 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 60 हैं तो उस प्रकार से, 70% है तो उस प्रकार से, उनके लिए जो 100 अंक हैं उनके लिए मापदंड यहाँ बताए गए हैं। 85 नंबर आपके 10वीं के नंबर हैं, और नंबर 2 पर बताया गया है यदि अधिसूचित पिछड़ा वर्ग क्षेत्र या पंचायत से संबंधित हो 1 नंबर। और आगे इन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र जारी कौन करता है, संबंधित उपमंडलीय अधिकारी, नागरिक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। नंबर 3 पर भूमिहीन परिवार या परिवार जिसके पास 1 हेक्टेयर से कमी है भूमि है उसको 2 नंबर। गैर रोजगार प्रमाण पत्र यानी कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति है 2.5 नंबर। ऐसा जिसके 40% से अधिक स्थायी या विशेष रूप से सक्षम या दिव्यांग है 1 नंबर। NSS, NCC या भारत स्काउट और गाइड में प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में पदक विजेता 1 नंबर। BPL परिवार से संबंधित 2.5 नंबर। कोई विधवा तलाकशुदा निराश्रित एकल महिला है 1.5 नंबर। एकल बेटी अनाथ, एकल बेटी यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको 1 नंबर। सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान में पद से संबंधित अधिकतम 5 वर्षों का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस 2.5 नंबर। श्रेणी का नाम उन्होंने भर दिया तो मूल्यांकन के बाद उसको बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी। अन्य शर्तें तो वही हैं जो लगभग हर पोस्ट के लिए होती है, यानी कि सभी उम्मीदवार चाहे वो सरकारी गैर सरकारी हो या स्वामित्व वाले औद्योगिक या सार्वजनिक उद्यमों में या अन्य समाज संगठनों में यानी निजी रोजगार में हो, को अपना आवेदन सीधा विभाग को जमा करना होगा। नंबर 2, कोई भी आकस्मिक अस्थायी दैनिक रूप में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारी को संबंधित नियोजित NOC लाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, कोई भी सरकारी सेवा में उम्मीदवार है या उसको क्या है विभाग प्रमुख नियोक्ता को NOC जारी करने की सूचना के साथ आवेदन कर सकते हैं। NOC उनको लेनी पड़ेगी तभी उनका मूल्यांकन किया जाएगा। हर कोई व्यक्ति इस पोस्ट में लग जाता है और बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने झूठे दस्तावेजों या गलत जानकारी के बेस पर ये नौकरी हासिल की है तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और नंबर 5, आवेदक को आवेदन पत्र पर अपनी फोटो लगानी पड़ेगी। नंबर 6, इच्छुक उम्मीदवार जो है हिमाचल प्रदेश रोजगार कार्यालय में जरूर पंजीकृत होना चाहिए। नंबर 7 में बताया गया कि इस पद से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं हैं। नंबर 8 में बताया गया है कोई अगर व्यक्ति है जिसको विभाग ने दोषी ठहराया हो निम्नलिखित के माध्यम से उसकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अर्थात यानी कि अवैध प्रत्याशियों की पेशकश यानी कि रिश्वत देना, दबाव डालना, ब्लैकमेलिंग या परीक्षा के कार्य संचालन से जुड़े किसी व्यक्ति से को ब्लैकमेल करना, धमकी देना या प्रतिरूपण या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या फर्जी दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है या ऐसा बयान देना जो झूठा हो या मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा नियोजित कर्मचारियों को शारीरिक नुकसान पहुँचाना या प्रतिबद्ध करने का प्रयास करना इत्यादि के लिए इतने सारे कामों के लिए क्या है उसको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। आगे है मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रवेश हेतु अपात्रता। फिर से इन्होंने बताया कि जो निम्नलिखित व्यक्ति होंगे वो पात्र नहीं होंगे, जैसे व्यक्ति को पिछली सेवा से बर्खास्त कर दिया है, नैतिक शांति से जुड़े अपराध में शामिल है, दोषी ठहराया गया है या चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है या ऐसा पुरुष उम्मीदवार जिसकी 2 पत्नियां हैं यानी कि जिसके पास 2 पत्नियां और दोनों जीवित हैं और कोई ऐसी महिला जिसने पति से किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की हो जिसकी पहले से 1 पत्नी हो या यदि वह एक अमुक्त दिवालिया या कोई व्यक्ति जो दिवालिया हो उस पोस्ट के लिए पात्र नहीं होगा। तो देख लीजिए अगर किसी ने 2 शादी की हो तो इस पोस्ट को नहीं भर सकता। अब अगले पेज पर ये फॉर्म है जो आपने भरना है
और ये फॉर्म आपको भर के है भेजना है। सबसे ऊपर ऊपर लिखा है जिला समर का नाम जिसके अंतर्गत चपरासी के पद पर दैनिक भोगी आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है, यानी कि जिला समर या मुख्यालय समर जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, शिमला के लिए या बिलासपुर जिला समर के लिए, कुल्लू जिला समर के लिए या शिमला मुख्यालय समर के लिए। यहाँ पर इस खाने में जो फोटो के ऊपर जो खाना बना हुआ है वहाँ पर बनना है। फिर नाम, पिता माता पति का नाम, लिंग पुरुष महिला है या जन्मतिथि, फिर पत्राचार हेतु पता, पत्राचार मतलब जिस पते पर आपका जो है खत पहुंचना चाहिए। आगे है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाने के लिए आपको जगह दी गई है, यहाँ पर आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। नंबर 6 पर स्थायी पता यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस, 1/1/2021 को आयु कितनी है, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी यानी कि इंडियन मतलब भारतीयता, क्या आपका राष्ट्र का क्या नाम है, किस राष्ट्र हो या भारतीय हो यानी कि भारतीयता। शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, परीक्षा का नाम, बोर्ड का नाम, कुल अंक प्राप्त अंक यानी कि 10वीं का आपने इसमें बायोडाटा बनना है, और आगे भी कुछ क्वालिफिकेशन किया उसका बायोडाटा भी इसमें बनना है। नंबर 10 रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या, रोजगार कार्यालय में जो है आपकी एनरोलमेंट नंबर मिला होता है उसको आपने भरना है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का पत्र, प्रमाण पत्र, और श्रेणी जिस श्रेणी में आप आवेदन कर रहे हैं जैसे तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, या कोई EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए, तो उनके लिए आपको फोटोस्टेट कॉपी लगानी पड़ेगी अपने प्रमाण पत्र की, अनुभव कोई एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपको क्या लगानी पड़ेगी, फोटोस्टेट कॉपी। नंबर 14 कोई प्रार्थी कोर्ट से दंडित हुआ तो उसका पूरा विवरण देना है। नंबर 15 और किसी प्रार्थी के ऊपर जो है न्यायालय में कोर्ट में केस चला हो तो उसका पूरा विवरण देना है, और आगे अपना नाम पता वगैरह भर के जो है अपने हस्ताक्षर कर देना है। नीचे सबने का प्रार्थी के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर देना है। स्थान और दिनांक, स्थान यानी कि जो आपके शहर का नाम है जहाँ पर आप खड़े होकर बैठ के अपने फॉर्म पर साइन कर रहे हैं उसकी जगह का नाम, और दिनांक किस डेट पर आप साइन कर रहे हैं। और ये मूल्यांकन पत्र है जिसको आपने साथ में भरना है, और ये मूल्यांकन पत्र है जिसको आपने साथ में भेजना है। तो आपने यहाँ लास्ट खाने में उम्मीदवार द्वारा दावा किए गए अंक, अपने अंक भी लिखने के, आप इतने में जैसे में से कितने अंक आपको मिलने चाहिए, उसके लिए आपको क्या है प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना है। जैसे मैस्ट्री के लिए आपको 50% अंक मिलने चाहिए यानी कि 42.5 अंक मिलने चाहिए, तो आपको क्या है अपने मैट्रिक का फोटोस्टेट कॉपी लगानी है, और कोई पिछड़ा क्षेत्र में जाए से उसका प्रमाण पत्र, भूमिहीन परिवार या परिवार के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि, 1 हेक्टेयर लगभग 12.5 बीघा होती है उससे कम भूमि है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगाना है। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यानी कि गैर रोजगार प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट लगाना है। कोई दिव्यांग है उसका सर्टिफिकेट लगाना है। NSS, NCC या स्पोर्ट्स है उसका सर्टिफिकेट लगाना है। BPL परिवार का है उसका लगाना है। विधवा तलाकशुदा निराश्रित एकल महिला है तो उसका लगाना है। एकल बेटी है या अनाथ है उसका प्रमाण पत्र लगाना है। सरकारी या सरकारी संस्थान में पद से संबंधित कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका प्रमाण पत्र लगाना है, और इन सबको क्या है लगाने के बाद पोस्ट कर देना है यानी कि दिए गए पते पर भेज देना है। और नीचे सबसे नीचे उम्मीदवार ने अपने हस्ताक्षर कर लेने हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है अनुलग्नक यानी कि जो भी अटैचमेंट आपने डाली है या लगाई है, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट लिखा है तो नंबर 1 पर लिखना है 10th सर्टिफिकेट। नंबर 2 पर अगर आपने कोई भी अन्य सर्टिफिकेट लिखा है तो उसका नाम लिखना है। नंबर 3 पर, नंबर 4, 5, 6 इस प्रकार से जितने भी सर्टिफिकेट लगाए होंगे आपने क्रम वाइज उनके नाम लिख देने हैं। किसी ने 7, 8 लगाए तो नंबर 7, नंबर 8 डाल के भी लिख देना।